मैं ये बात करता था कि आपके विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखेंगे और आपके कार्यवाही में आप नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखेंगे। रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, मनी हैज टू कम टू यू। यू बिकम अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा। गांधी जी को संकल्प था कि निस्वार्थ भाव से भारत को स्वतंत्रता देनी है, और उनका भाव निस्वार्थ था। किस बात से प्रूव हुआ कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं ली। अगर वे चाहते तो बैठ सकते, सब सहमत थे, लेकिन नहीं ली। उससे ये बात आज हम कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं निस्वार्थ थी। तो ये विचार से, ये प्रवृत्ति से, नीतिमत्ता से काम करते थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नीतिमत्ता और विचार से काम करते थे तो उनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर क्या थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दूसरे विश्व युद्ध में थे, विंस्टन चर्चिल, उनको बोलते हैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। और एक घटना ऐसी बनी थी कि हिटलर ने जर्मनी से 300 वॉर प्लेन भेज दिए थे लंदन पे, और पूरे लंदन पे कारपेट बॉम्बिंग किए। कारपेट बॉम्बिंग मतलब यहां एक बॉम्ब गिरा, उसका इफेक्ट जहां तक हो उसके पहले दूसरा बॉम्ब गिरता है। अभी तो हजार हजार के 10 डाले हैं। तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल, जब पूरे इंग्लैंड की प्रजा बैठ गई नामोशी एक डर में, तब उन्होंने वी फॉर विक्ट्री सिंबल दिया था, सबको प्रेरणाएं दी थी और पूरे समाज को अपने साथ चलाया था, उठाया था। वी फॉर विक्ट्री आज हम वो क्रिकेट मैचेस में और वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर हमारी मैचेस होती है, कोई प्रसंग होता है, हमारे फैमिली में कोई घटनाएं बनती है, तो हम वी फॉर विक्ट्री करते हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल ने ये सिंबल दिया था। ये बोलते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया, गांधी जी। जब ICS ऑफिसर्स की कॉन्वोकेशन में वे जाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज उनका नाम है IAS, ICS ऑफिसर्स जो 22-25 साल के लड़के बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, डायनामिक होते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब विंस्टन चर्चिल जाते थे तो उनको बोलते थे कि अब भारत जाएंगे, बड़े बड़े प्रोविंस के गवर्नर आप बनोगे, बड़ी सत्ता आपकी रहेगी, कहीं बड़े काम आप करेंगे, लेकिन एक काम मत करना। तो ये बोलते थे, कौन सा काम हमें नहीं करना है? Are we not entitled and authorized to do everything? तो क्या, हाँ, you are entitled, you are authorized to do everything, but don't do one thing. वे बोलते थे क्या? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे, don't talk to गांधी and सरदार। भारत में जाके आप गांधी और सरदार से बात मत करना, बाकी आपको जो मन चाहे वो करना। तो ये लोग बोलते थे, भाई क्यों, ये दोनों कौन है, क्यों उससे बात नहीं करनी है? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे कि ये दोनों के विचार इतने स्पष्ट, ऊंचे और पवित्र है, उनका जीवन इतना पवित्र है, अपने कार्य में वे नीतिमत्ता और प्रामाणिकता को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, बड़ी एथिकल वैल्यूज से वे काम करते हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो कैरेक्टर है, वे इतना पावरफुल और ओवरपावरिंग है कि 10 मिनट की मीटिंग अक्रॉस द टेबल और वे एक पेज आपके मुंह पे फेंकेंगे और बोलेंगे साइन इट, आप दब जाओगे उनकी पर्सनालिटी के नीचे, एंड यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर, दे विल राइट द टेक्स्ट आफ्टर दैट। आप ब्लैंक पेपर के साइन, ब्लैंक पेपर पे आप साइन कर दोगे और बाकी टेक्स्ट वे बाद में लिखेंगे। इतनी पावरफुल दोनों पर्सनैलिटीज है। मतलब भारत जाने के बाद आप ये गर्व मत रखना कि मैं ICS हूं, जो काम करना है करना, ये काम मत करना। तो आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर,
इससे पावरफुल बनते हैं। और जब आप इस वजह से, इस कारण से अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलप करते हो तो आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं व्यवस्थाएं, आ जाती है समृद्धियां, आ जाती है। गांधी जी को संकल्प हुआ कि कांग्रेस के लिए, जब भारत की स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी, पैसे की जरूरत है, उन्होंने अपील की कि हर एक भारतीय एक रुपया डोनेशन करे। उस वक्त तो मोबाइल फोन थे भी नहीं, ये भी लैंडलाइन नहीं थे, मतलब व्हाट्सएप तो था ही नहीं, मेल्स था नहीं। करणों का ये उपदेश गया आगे और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विद इन 72 आवर्स, 3 दिन में भारत के कोने कोने में से लोगों ने 1 रुपया दिया और 40 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंच गए इन 3 डेज। वो गांधी जी के वचन पे, उनका नाम लेके कोई घर घर जाता छोटे से गांव में भी, रिमोट विलेजेस में, कि गांधी जी ने ये कहा, उनके नाम से लोग 1 रुपया दे देते थे। क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या कैरेक्टर होगा अगर इस बात पे ध्यान रख के आप चले, तो फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस तो सिर्फ हम संत चलाते, बाकी तो कोई चलाता नहीं। तो दोनों यहां बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये थी पर्सनालिटी और ये कैरेक्टर था। जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त 750 रुपये थे। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कितनी प्रामाणिकता से वे जीवन जीते होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि इस पदवी पे होते हुए भी जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपये थे, इसीलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी। ऐसे नहीं बनती 2200 करोड़ की मूर्ति, ऐसे नहीं बनती। ये पदवी पे होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट सिर्फ 750 रुपये, इसलिए ये बनती, इसलिए लोग वहां जाते हैं।